नमस्कार, इवनिंग एजेंडा में आज धर्मांतरण की चर्चा। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर जंग छिड़ी हुई है, धर्म परिवर्तन को लेकर लात घूंसे चल रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है, हवन हो रहा है और घर वापसी हो रही है। किसी ने विदेशी साजिश का आरोप लगा दिया, किसी ने धर्म परिवर्तन पर कानून की मांग कर ली। साफ है, धर्मांतरण के मुद्दे ने सियासी रंग ले लिया है। पिछली सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि कानून नहीं बनाया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि अब नई सरकार कानून बनाएगी और धर्मांतरण पर लगाम लगेगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन पहले रिपोर्ट। कहीं जंग है, कहीं उमंग है, तस्वीरें दो लेकिन कहानी एक। वो कहानी है धर्म परिवर्तन की। एक तरफ रायगढ़ में धर्मांतरण को लेकर खूब मारपीट हुई तो दूसरी तरफ रायपुर में 1000 लोग अपने पुराने धर्म में लौटकर उमंग में नजर आए। पहली तस्वीर में मारपीट हो रही है तो दूसरी तस्वीर में पूजा पाठ। चलिए अब एक एक कर समझाते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल रायगढ़ के सावित्री नगर के एक घर में कुछ लोगों के धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो सूट बूट पहने हैं उनका धर्मांतरण हो रहा है। जब इसकी खबर स्थानीय लोगों को लगी तो गुस्सा फूटा और शुरू हुई मारपीट। आरोपियों को जमकर पीटा गया। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाने में जुटी। स्थिति जब बिगड़ी तो बीजेपी पार्षद भी पहुंचे और पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अब दूसरी तस्वीर देखिए जो रायपुर की है, जहां करीब 1000 लोगों की मूल धर्म में वापसी हुई। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह ने लोगों की घर वापसी करवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, विदेश में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, धर्मांतरण से सामाजिक संतुलन पर भी असर पड़ता है, लालच देकर और गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर धर्मांतरण करवाना गलत है। जूदेव ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ की डबल इंजन की सरकार इस पर जल्द ही कानून भी बनाएगी। ये जो षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, ये प्लानिंग के माध्यम से धर्मांतरण करती हैं, सेवा के नाम पे सौदा, चंगाई माध्यम से इनको इनका ब्रेन वॉश करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक बातें बोल करके इनको अपने धर्म से भटका करके ये का धर्मांतरण करते हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है और हम इस धर्मांतरण को कम्प्लीटली इलीगल बनाएंगे। बहुत गंभीर ये समस्या है और इसको जड़ से हम उखाड़ फेंगे। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह प्रदेश में धर्मांतरण का खेल जारी है और इस खेल में गरीब अशिक्षित लोग फंस रहे हैं। बीजेपी नेता इस आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है? ये धर्म परिवर्तन का खेल कहां से खेला जा रहा है? इस पर पिछली सरकार ने कोई कानून क्यों नहीं बनाया और अब इस पर कब कानून बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो आज इसी को लेकर चर्चा भी करेंगे। बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। विमल चोपड़ा साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा शिव सिंह ठाकुर साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मसला आज दरअसल धर्मांतरण का, और चोपड़ा साहब सबसे पहले सवाल आपसे ही, धर्मांतरण तय माना जाए कि लोकसभा में भी बीजेपी का यही मुद्दा है? जी चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है। चोपड़ा साहब मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, थोड़ा उसे मैं क्लियर करवाने की कोशिश करता हूं। तब तक शिव सिंह ठाकुर साहब हैं, उनसे सवाल ले लिया जाए। ठाकुर साहब, आप पर यह आरोप कि बार बार मतलब धर्मांतरण के मसले को बहुत अच्छे तरीके से आपकी सरकार ने डील नहीं किया। जी देखिए ललित जी, हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब थे तो बार बार जब भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण का मुद्दा उठाती थी उस वक्त बार बार बोलते थे वो कि भाई आप धर्मांतरण जो हो रहा है उसका FIR करवाइए, आप पुलिस में शिकायत कराइए। जब वो बोलते थे तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या नेता
उस बात को लेके FIR नहीं कराता था, केवल वो एक प्रोपेगंडा था, केवल एक मुद्दे उठाकर जो है माहौल को जो है ख़राब करने का प्रयास करते थे। अगर ऐसा हो, इतना जितना भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की जो सरकार में जितने धर्मांतरण हुए हैं, आज डबल इंजन की सरकार है, आज यहाँ पे इनकी सरकार हो गई है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो अब क्यों इस टाइप का हो रहा है और क्यों नहीं इन लोग कानून बनाते हैं? केंद्र कानून बनाने का काम जो है वो केंद्र सरकार का है, क्यों नहीं इन लोग कर रहे हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो सिर्फ जो है लेकर, तो कानून की बात तब भी आई जब आप सरकार में थे, आपने कहा कि कानून है, अच्छे से काम कर रहा है और कानून तो बनाया जा सकता है। इसे लेकर मध्य प्रदेश ने बनाया है, अरुणाचल प्रदेश ने बनाया है, कई राज्यों ने बनाया है। जी प्लीज ठाकुर साहब। जी जी ललित जी, अगर कानून था तो जब ये भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार में जब ये मुद्दे उठाती थी तो क्यों नहीं इस FIR कराती थी? ये कौन आरोपी है, कौन दोषी है जो उनको सरकार तुरंत कानूनी कार्रवाई करने को तैयार? जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, कोई FIR नहीं करेगा, तो कैसे कार्रवाई करेगी? तो ये इन लोगों, इनको जो कानून था उस कानून के तहत कार्रवाई कराने के लिए थाने जाना चाहिए था, पुलिस प्रशासन से शिकायत करनी चाहिए थी, लेकिन ये केवल मुद्दे उठा के, केवल प्रोपेगंडा करके एक माहौल को जो है दूषित करने का प्रयास करते थे। अब तो इनकी सरकार आ गई। अभी आपने आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा है कि रायगढ़ में एक धर्मांतरण हो रहा है और यहाँ हो रहा है और उसके बाद घटनाएँ घट रही है। तो जब इनकी सरकार आ गई है, जब दोनों जगह केंद्र में भी उनकी सरकार है और राज्य में भी इनकी सरकार है, तो फिर ये क्यों हो रहा है? अब क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो इस मामले को लेकर जो है अपनी सरकार को कानून बनाने के लिए बोलते हैं, इनके विधायक, इनके सांसद, उस वक्त जो है क्यों प्रोपेगंडा करते थे? ये अब देखने की बात है, जनता देख रही है इस चीज को, जनता देख रही है। ठाकुर साहब एक बात और, दिसंबर का ये घटनाक्रम है, कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर के कई इलाकों में मसीह समाज के लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे, कई कई घंटे तक के प्रदर्शन चले हैं और यह भी कहा गया कि सरकार इस दौरान नाकाम रही, तब आप सत्ता में थे। ठाकुर साहब जी, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। अब अगर उस समय जो भी आरोप लगा के इन्होंने जो किया है, प्रदर्शन किया है, अब जारी करना चाहिए, सूची जारी करनी चाहिए। 15 साल में जो धर्मांतरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और हमारे सरकार में जो धर्मांतरण हुआ है, उसको लेके इनको सूची अब जारी कर जनता को बताना चाहिए आंकड़े कि भाई हमारे सरकार में, तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। चलिए, थोड़ी देरी हुई, विमल चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चोपड़ा साहब, लोकसभा के लिए धर्मांतरण ही मुद्दा? देखिए, धर्मांतरण कोई लोकसभा का मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्मांतरण हमेशा का मुद्दा है, राष्ट्रवाद हमेशा का मुद्दा है जी। और डॉक्टर रमन सिंह इतने लंबे समय तक रहे, तब ये मुद्दा नहीं था? चोपड़ा साहब, नहीं, हमेशा मुद्दा रहा है, कब नहीं मुद्दा रहा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्मांतरण का विरोध करते आई है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, उसने कार्यवाही करने में कहीं भी कोई प्रकार से देरी नहीं की। लेकिन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि ये क्यों हो रहा है, अरे जिन लोगों ने 5 साल में अपने वादे पूरे नहीं किए, वो कह रहे कि धर्मांतरण बंद, धर्मांतरण पर कार्रवाई होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, धर्मांतरण कराने वालों पर कार्रवाई हो रही है, और यही कांग्रेस की सरकार रहती तो धर्मांतरण कराने वालों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। आपको बता दो कि कांग्रेस के शासन में बस्तर में SP ने सरकार को पत्र लिखा था कि धर्मांतरण के कारण बस्तर की स्थिति खराब हो रही है, इसको रोकना चाहिए, बहुत सारे विवाद पैदा हो रहे हैं। ठीक। जो धर्म आदिवासी हैं और आदिवासी हैं, उनके भी धर्मांतरण के कारण बहुत गहरी खाई हो रही है। नारायणपुर में घटना हुई धर्मांतरण के विरोध में, आदिवासी समाज के लोगों को विरोध करने के कारण गिरफ्तार किया गया। ठीक। आज रायपुर में जो है पुरानी बस्ती थाने में FIR कराने जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए धर्मांतरण के विरोध में, तो कोई FIR। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि जो एशिया में दूसरे नंबर पर है उसे तोड़ा जाए,
जशपुर चर्च का वो जिक्र कर रहे हैं, कुछ ऐसा होगा क्या? चोपड़ा साहब, देखिए ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने व्यक्तिगत मत देख रहे हैं। हाँ हाँ, यहाँ छत्तीसगढ़ हो चाहे भारत हो, आपको अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन कोई किसी से जबरदस्ती या लालच के साथ धर्मांतरण कराएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी। और जो कानून है, बड़े कानून भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में बनाए हैं सरकार में रहते, लेकिन उसका पालन 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार ने नहीं किया। और ये समझ लें, जो भी धर्मांतरण कराएगा कठोर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और कांग्रेस के लोग भी समझ, धर्मांतरण वालों को किसी प्रकार का प्रत्यय न दें, नहीं तो उनको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। ठाकुर साहब, संरक्षण दे रहे हैं आप, धर्मांतरण करवाने वालों को संरक्षण देते हैं, ये एक आरोप। चोपड़ा साहब, मैं आऊंगा आपके पास, ठाकुर साहब से एक रिएक्शन ले लिया जाए प्लीज। जी जी ललित जी, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि अभी इनकी सरकार आ गई है, जो 15 साल में जो धर्मांतरण हुआ है उसके आंकड़े प्रस्तुत कर दीजिए। और जो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार में जो धर्मांतरण हुआ है वो आंकड़े आप देख लीजिए, इसी से जनता समझ जाएगी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी झूठ और अफवाह फैलाकर इस प्रकार का जो है माहौल को जो है खराब, केवल वोट की राजनीति के लिए ये करती थी। भाई आज इनकी सरकार है, अगर हमारे पुलिस प्रशासन ने कोई लिखा है तो आज जांच करवाएं ना भाई, क्यों इस चीज़ों को दबा के रखते हैं। जितना चीज़ इन्होंने 5 साल में कहा था कि इसकी जांच कराएंगे, इसकी जांच कराएंगे, आज क्या हुआ? कोई जांच नहीं, केवल इधर और इधर टाले जा रहे हैं। तो हम ये बोलते हैं कि रमन सिंह की सरकार में जो 15 साल धर्मांतरण हुआ उसकी लिस्ट जारी करिए, और उसके बाद हमारे भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार में जो धर्मांतरण हुआ है उसकी लिस्ट जारी करिए, ये जनता समझ जाएगी कौन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जारी नहीं करेंगे, केवल भारतीय जनता पार्टी को जब लोकसभा चुनाव आ रहा है, हमेशा चुनाव जब भी आता है तब ये इस प्रकार का प्रवर्तन कर कर अफवाह फैला कर जो है, चलिए धर्म हमारे लिए भी आस्था का विषय है। चोपड़ा साहब, एक बात है, ठाकुर साहब का कहना है कि आंकड़े सार्वजनिक कर दीजिए आपकी सरकार के दौरान कितना धर्मांतरण, और अब तो चूंकि आप सत्ता में भी हैं, कांग्रेस के दौरान कितना धर्मांतरण हुआ, किस तरह के एक्शन लिए गए, एक बात आंकड़े सार्वजनिक कर दीजिए, इस पर जवाब, फिर मैं अगला सवाल करूंगा। होंगे, बिल्कुल होंगे, आंकड़े भी सार्वजनिक होंगे, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जांच के बाद जेल में भी जाएंगे। जी, PSC का घोटाला, उसकी जांच कौन करा रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। जी, पर आप माफिया आप जेल में है तो उसकी जांच केंद्र की सरकार ने कराई है। कोयला माफिया जेल में है तो उसकी सरकार किसने कराई, और उनको जेल तक किसने पहुंचाया? धर्मांतरण वाले भी जेल जाएंगे चोपड़ा साहब। जी, धर्मांतरण करवाने वाले और संरक्षण देने वाले भी जेल जाएंगे? जी जी, बिल्कुल जाएंगे। ठीक, जेल में जाएंगे और उसकी कठोर सजा भी होगी, इसको कांग्रेस के लोग समझ रहे हैं। उनके SP ने पत्र लिखा था, उसकी भी जांच होगी। अभी तो सरकार बने 2 महीना हुआ है साहब, आपके देखिए PSC के घोटाले में कितने बड़े बड़े लोग फंसते हैं, और ये महादेव ऐप जो चला है ना, इसमें कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता जेल में जाएंगे, ये सब जांच होगी। आप निश्चिंत रहिए, आप और बता दीजिए किसकी जांच कराना है, वो भी जांच हम करा लेंगे। बिल्कुल चोपड़ा साहब, हाँ जांच, ये आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। एक मसला और है, रायगढ़ का एक मामला सामने आया, इससे पहले भी कुछ मामले सामने आए, हिंदुवादी संगठन है, बजरंग दल है, मारपीट करना, आरोप लगाकर, धर्मांतरण का आरोप लगाकर मारपीट करना, हंगामा उपद्रव करना, क्या कानूनन इजाजत मिल जाती है बजरंग दल को इस सब की? देखिए साहब, ऐसा है, बजरंग दल भी गलती करेगा, कानून के हिसाब से वहां भी कार्रवाई होगी, लेकिन जिस प्रकार से यह चंगाई सभा नाम से अंधविश्वास फैला के धर्मांतरण कराया जाता है, क्या ये उचित है? क्या मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ, क्या आप इलाज के नाम पर प्रार्थना करके लोगों को कहेंगे कि प्रभु यीशु प्रार्थना करा करके जो है आपकी बीमारी ठीक कर रहा है? क्या ये कहीं से उचित है? क्या इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? कि ये अंधविश्वास फैला रहे हैं करके, तो ये जो चीजें हैं इसको भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा करेगी, और इसमें जहां भी गड़बड़ियां पाई जाएगी, कोई भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति हो, जिसको कांग्रेस के कितने भी बड़े नेता का संरक्षण हो, वहां कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी
कभी भी लालच और जो दबाव पूर्वक धर्मांतरण किया जाता है उसके विरोध में रही है, हमेशा उसका विरोध करते रही है। रविशंकर जी ने जब पहला कानून बनाया था तो वो कल्याण आश्रम के सहयोग से वो धर्मांतरण का कानून बना, उसमें बहुत सारे लूपहोल थे। रमन सिंह जी की सरकार ने उस कानून को और कड़ा किया। अब कांग्रेस ने 5 साल में इतना लाल काला काला पीला खेल किया है, वो सबको फिर ठीक करने का काम जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने स्वयं कहा है कि जसपुर को धर्मांतरण के कुचक्र में फंसा करके कांग्रेस ने बर्बाद किया है, उसको ठीक करने का काम और घर वापसी का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये कांग्रेस घर वापसी, घर वापसी को लेकर एक सवाल रहेगा, आऊंगा मैं आपके पास। ठाकुर साहब, धर्मांतरण करवाने वाले, संरक्षण देने वाले, वो भी जाएंगे जेल के अंदर जाएंगे और स्थितियां आपके कार्यकाल में और ज्यादा बिगड़ी क्योंकि कार्रवाई की नहीं गई, एक्शन लिया नहीं गया, उसे टाला गया। प्लीज ठाकुर साहब। देखिए ललित जी, कानून बनाने का काम सेंट्रल का रहता है, कठोर कानून क्यों नहीं बनाते सेंट्रल? अभी इतना आज 10 साल होने जा रहा है केंद्र की मोदी जी सरकार को, वो क्यों नहीं एकदम कठोर कानून बनाती कि धर्मांतरण? ये केवल सत्ता प्राप्ति करने के लिए। आपने देखा है कि हमारी जब यूपीए की सरकार थी तब ये घोटाला, वो घोटाला, ये घोटाला बोल के इन लोगों ने झूठ बोलकर सरकार में आ गए। उसके बाद क्या हुआ? सारे लोग जो है कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए, किसी को कोई सजा नहीं हुआ। इसी प्रकार ये केवल जनता बार बार धर्म का जिक्र कर रहे ठाकुर, पैदा करते हैं तो सहारा कि हम जेल धर्म का। जी आप भी तो सहारा लेते हैं मध्य प्रदेश में, धर्म हमारे लिए आज तक। देखिए ललित जी, धर्म का सहारा कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म का सहारा नहीं ली, नहीं तो फिर अभी हम कौशल्या माता का मंदिर भूपेश जी ने बनवाया कांग्रेस पार्टी का, उसके लिए वोट मांगने नहीं, लेटर लिखना पड़ा। ये राम मंदिर के मतलब साउथ के सांसद कांग्रेस के, वोट की राजनीति केवल, लेटर लिखा सोनिया गांधी को कि कांग्रेस की छवि ये नहीं है जो दिग्विजय और कमलनाथ कर रहे हैं। जी फिर से बोलिएगा एक बार प्लीज। कांग्रेस के ही दक्षिण भारत से आने वाले सांसद ने सोनिया गांधी को पत्र लिखा कि जिस हिंदुत्व की बात कमलनाथ और दिग्विजय करते हैं कांग्रेस की वो परिपाटी, वो सोच नहीं है। देखिए ललित जी, हम पहले ही बोल रहे हैं कि कांग्रेस वोट की राजनीति धर्म में नहीं घालमेल करती। ठीक, कांग्रेस हमेशा शिक्षा, सबको शिक्षा अच्छा मिले, रोजगार मिले, महंगाई है इस पे बात करती है, लोगों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे से अच्छा इलाज मिले, बेरोजगारी दूर हो, हम इसकी बात करते हैं, हम इस पे वोट मांगते हैं, हमेशा हमने इसी को भी बात किया है विकास कार्य के लिए। चलिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये घाल मेल करके, राजनीति और धर्म का घाल मेल करके जनता को ला के काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप देखिएगा आने वाले चुनाव में जो धर्म की राजनीति को थोड़ा एक चोपड़ा साहब से रिएक्शन धर्म लेते हैं, तंत्र में इसका अंतर हुआ। ठीक ठीक ठीक, चोपड़ा साहब के पास। चोपड़ा साहब, एक शब्द है घर वापसी, ये बात आती कहां से है? आदिवासी हिंदू है इसे लेकर तो बड़ा विरोधाभास है, हिंदुओं के कई लॉ उन पर लागू नहीं होते। जी चोपड़ा साहब, देखिए ऐसा है साहब, ये एक विदेशी षड्यंत्र है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। अब ये बताइए, ठाकुर राम नाम है, राम कहां से आ गए? आपके नाम जो है कृष्ण पे हैं, आपके नाम जो हैं वो राधा पे हैं। चोपड़ा साहब सुन लीजिए, संविधान में अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों को हिंदू माना जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से कानून हैं जो इन पर लागू होते नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, उत्तराधिकार अधिनियम 56, हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 56, धारा 2-2, हिंदू व्यवस्था संरक्षण अधिनियम 56, धारा 3-2, ये लागू नहीं होते हैं। जी आपका कहना सही है, लेकिन संविधान में हिंदू माना गया है, जैन भी हिंदू हैं भले, आपने राजनीतिक रूप से उनको अल्पसंख्यक बता दिया। जी आप समाज को तोड़ना चाहते हैं, ये बताइए आप, आदिवासी जो है वृक्षों की प्रकृति की पूजा करता है, बाकी लोग जो हैं हिंदू समाज के सारे लोग करते हैं। ठीक, नदी सूर्य की पूजा होती है, सब लोग करते हैं। आपके नाम राधा और कृष्ण पे हैं, आपके नाम राम पे हैं, तो आप कहां से अलग हो गए? धर्म को भी पूजा पद्धति हिंदुस्तान की धरती से उपजी है। ठीक, चलिए चलिए, मैं आप दोनों का
मानने वाले हैं। ठीक, पूजा पद्धतियों में सबका अंतर है। चलिए चलिए चोपड़ा साहब, उसे हाँ हाँ, लेकिन मैं अब आपको हाँ मैं आपको रुकना चाह रहा हूँ। वक्त हो गए। जी जी जी, ये एक प्रकार का षड्यंत्र। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत संवेदी मसला ये दरअसल है, और इस पर इसी तरह से चर्चा के जो सिलसिले हैं वो चलते रहने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और खबर, हजार लोगों की घर वापसी, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, बागेश्वर बाबा की सभा में घर वापसी, और मुस्लिम परिवारों ने भी हिंदू धर्म अपनाया है, ये भी एक बड़ा अपडेट। शेख शमीम अब बबलू बन गए हैं। मोहम्मद अकबर, इन्होंने भी हिंदू धर्म अपनाया है, कई मुस्लिम परिवारों ने हिंदू धर्म अपनाया है। जो घर वापसी हुई, हजार लोगों की घर वापसी, उसमें शेख शमीम, बबलू, मोहम्मद अकबर, सत्यम, हिंदू धर्म में आस्था, अब सत्यम, अब शमीम और अकबर, बबलू और सत्यम बन गए बागेश्वर बाबा की सभा में। मुस्लिम परिवारों ने भी हिंदू धर्म अपनाया है। आज बड़ा आयोजन, घर वापसी का बड़ा आयोजन, प्रबल प्रताप जूदेव की अगुवाई में ये हुआ था पूरा आयोजन। और जो बाबा बागेश्वर है, उनकी उनकी मौजूदगी में, जहां दरअसल उनका कथा का आयोजन चल रहा है, वहीं पर ये घर वापसी कार्यक्रम हुआ। हजार लोग घर वापस आए हैं, ये शब्द है घर वापसी। हालांकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बागेश्वर धाम की कथा में आके 1000 से ज्यादा लोगों ने घर वापसी की है। हमारे साथ हैं मुस्लिम समाज के शेख शमीम, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है, उनसे बात करते हैं कि क्या किस चीज से प्रेरणा मिली है, आपने हिंदू धर्म अपना लिया, प्रेरणा कहाँ से मिली हिंदू धर्म सनातन धर्म अपनाने की। देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगा, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुओं के बीच में हम काम करते हैं, उनसे हम पैसा भी कमाते हैं, उनसे हमको इज्जत भी मिलती है, तो क्यों ना हम उनमें चले जाएं। और हमारी मिसेस खुद हिंदू कास्ट की है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो घर में क्या पूजा पाठ होता था, नमाज भी पढ़ते थे? मैं पहले सब पढ़ता था, लेकिन क्या है, अभी 15 साल से मेरे को मेरे किसी घर वाले ने नहीं पूछा, ना ही मेरे को शादियाँ हुई ना उसमें बुलाए, ना मेरे को सुख में पूछे ना दुख में पूछे। तो मैं अब मेरी मिसेस को मेरी बोली कि भाई अब हमको ये धारा में चले जाना चाहिए, जहाँ इंसान को सपोर्ट मिलेगा वो उधर ही जाए, चाहे किसी की भी बात हो। परिवर्तन क्या शादी के बाद आया कि उससे पहले भी हिंदू धर्म के प्रति झुकाव था आपका? हमारा तो भैया सभी धर्मों के प्रति झुकाव है, हम किसी को गलत नहीं बोलते, है ना। अब मिसेस उस धर्म की है, और घर वाले भी बोलते थे कि भाई ये अलग है, पिताजी भी, हमारा लड़का 7 महीने का था पेट से, तब हमको हटा दिया गया घर से, तो फिर हमने बोले कि चलो ठीक है, अब इधर उधर किराए से रहने लगे, अब आज मौका मिला है यहाँ आने का तो आ गए हैं। तो अब पहचान क्या होने वाला है आपका? अब हमारा पहचान, जो पहले शेख शमीम के नाम से जानते थे, अब बबलू के नाम से जानेंगे। अच्छा, वैसे भी लोग हमको बबलू के ही नाम से जानते हैं, हमारे मेन नाम से कोई नहीं जानता। तो कैसा लग रहा है बबलू जी अब सनातन धर्म अपना के? नहीं, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको अच्छा फील हो रहा है। ये थे शेख शमीम जिन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है, अब ये बबलू के नाम से जाने जाएंगे। अब इस तरीके से और भी 1000 से अधिक लोगों ने यहाँ पर बागेश्वर धाम की सभा में हिंदू धर्म अपनाया, उनका पैर धोकर रीति रिवाज, हिंदू धर्म रीति रिवाज के साथ उनको घर वापसी कराया गया है। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। ऐसे 1000 लोग बगल में बैठे हुए हैं, उन्होंने आज रायपुर के इस प्रांगण में बागेश्वर हनुमान जी को समक्ष मानकर श्री प्रबल प्रताप जी देव के मार्गदर्शन में और उनके विशेष सहयोग से 1000 लोगों ने सनातन धर्म में घर वापसी की हुई है। तो इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही, खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।